थाना कोतवाली पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 29 मई 2024 को वादी विजय यादव पुत्र अरविंद यादव निवासी जोर इनामी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी प्रियांशु गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी बागेश्वर नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 32 साल ब्रिजेंद्र पांडे पुत्र रामावत पांडे निवासी बभनपुरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 साल द्वारा साजिश करके नौकरी का झांसा देकर वादी से कुल 29,970 रुपया और वादी के मित्र अरविंद से 35,000 रुपया तथा रविंद्र यादव से 40,000 रुपया लेने के बाद कूट रचित नियुक्ति पत्र देने और पैसा मांगने पर पैसा वापस नहीं किया गया। इसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 329/2024 धारा 406 419 420 46 467 468 471 120 बी भारतीय दंड विधान दिनांक 29 मई 2024 बनाम दो नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी क्रम में दिनांक 29 मई 2024 को उप निरीक्षक रतन सिंह पटेल मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त ब्रिजेंद्र पांडे पुत्र रामावत पांडे निवासी बभनपुरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 साल और प्रियांशु गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी बागेश्वर नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 22 साल को बवाली मोड़ से नियमानुसार समय करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रतन सिंह पटेल मैं हमरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। पेट्रोल से शत प्रतिशत मुक्ति आजमगढ़ में जॉय ई बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366601 पता यूनिवर्सल मोटर्स नरौली आजमगढ़।